अपलोड डॉक्यूमेंट। यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ में जो है दोस्तों, आप अपना वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट। कुछ समय पहले मैंने बताया था कि टाटा न्यू एप्लीकेशन के अंदर कैसे अपने अकाउंट को रजिस्टर करना है, और उसमें आपको बहुत सारे यहाँ पे ऑफर देखने को मिलता था। रिसेंटली दोस्तों टाटा न्यू ने HDFC के साथ मिलकर यहाँ पे दो न्यू क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है, जो की काफी ज्यादा यूनिक है और काफी ज्यादा कमाल का है। तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं क्रेडिट नंबर 1 यानी कि टाटा न्यू इन्फिनिटी HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड के बारे में, जो की काफी ज्यादा यूनिक है। इसका मैं यहाँ पे अप्लाई करने का प्रोसीजर बताऊंगा, साथ में इजिबिलिटी क्या है, डॉक्यूमेंटेशन क्या रिक्वायर्ड है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आएगा, तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करता हूं वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। अब दोस्तों आपको करना क्या है, सिंपली नीचे में यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन सिंपली इस पे क्लिक करेंगे, HDFC क्रेडिट कार्ड आ जाएगा। फिर से अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, कैप्चा को फिल करेंगे, एग्री के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। मोबाइल नंबर दोस्तों वेरीफाई करने के बाद आपके सामने पर्सनल डिटेल्स का ऑप्शन आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे कुछ डिटेल्स आपको फिलअप करना पड़ेगा, जैसे अपना फर्स्ट नेम, अपना लास्ट नेम, अपना पैन नंबर डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे, इसके साथ साथ अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, अपना करेंट रेसिडेंट एड्रेस जो है दोस्तों यहाँ पे फिलअप करेंगे, स्टेट सिटी पिन कोड डालकर कंटिन्यू के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे चेक क्रेडिट कार्ड एलिजिबिलिटी का ऑप्शन आ जाएगा। एम्प्लॉयमेंट में दोस्तों है अपना यहाँ पे सैलरी सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट करेंगे, जिस तरीके से भी इनकम आता है। इसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पे कंपनी का नाम डालेंगे, नेट मंथली इनकम डालने के बाद सो एलिजिबल कार्ड के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। सो एलिजिबल कार्ड के ऊपर दोस्तों क्लिक करने के बाद आपके सामने बहुत सारे यहाँ पे क्रेडिट कार्ड देखने को मिल जाएगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, और आपका नाम यहाँ पे शो करना स्टार्ट कर देगा। इसके साथ साथ दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो भी क्रेडिट कार्ड को मिलेगा आप यहाँ से इजिली अप्लाई कर सकते हो। जैसे अभी आपके टाइम में देख सकते हो कि टाटा न्यू प्लस HDFC क्रेडिट कार्ड को अभी आपके टाइम में ऑफर मिल रहा है, यहीं से आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। या फिर से यहाँ पे आप देख सकते हो कि और भी सारा यहाँ पे मिल जाएगा, जैसे HDFC बैंक इक्विट एग्जिट क्रेडिट कार्ड है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे आप देख सकते हो कि सुपर स्टॉप HDFC क्रेडिट कार्ड है, और भी बहुत सारे यहाँ पे क्रेडिट कार्ड देखने को मिल जाएगा। अप्लाई करने के लिए सिंपली अप्लाई नाउ के ऊपर आपको क्लिक करना है। सबसे पहले यहाँ पे कार्ड सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद से यहाँ पे अप्लाई नाउ के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद से दोस्तों आपको यहाँ पे प्लीज प्रोवाइडेड योर ऑफिस एड्रेस जो है अपना ऑफिस का एड्रेस डालेंगे, जहाँ पे भी काम करते हैं। अगर ऑफिस का एड्रेस आप नहीं सेलेक्ट किए हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट किया है, तो अपना घर का ही एड्रेस जो भी आपके आधार कार्ड के ऊपर होगा यहाँ पे डालेंगे, सिटी पिन कोड स्टेट हर एक चीज यहाँ पे सेलेक्ट सही तरीके से डालेंगे, डिजाइनेशन जो है यहाँ पे आप डाल दोगे। इसके बाद से दोस्तों आपको सिंपली करना क्या है, कंटिन्यू के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। कंटिन्यू के ऊपर दोस्तों क्लिक करने से पहले आपको एक चीज यहाँ पे नोट कर लेना है कि यूज दी ऑफिस एड्रेस फॉर ऑल कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग कार डिलीवरी, इसको यहाँ पे इनेबल जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यू के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद से दोस्तों आपके सामने देख सकते हो यहाँ पे यू ऑलमोस्ट डन क्रेडिट कार्ड, यहाँ पे आपके सामने आ चुका है मेक योर क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री। यहाँ पे दोस्तों पूछ रहा है कि आपका HDFC में किसी भी बंदे से रिलेशनशिप में है यानी कि जान पहचान है, तो सिंपली यहाँ पे है तो यहाँ पे इनेबल कर देंगे, नहीं तो यहाँ से डिसेबल कर देंगे। इनेबल करेंगे तो उसका जो भी सीनियर का नाम होगा उसके बाद से रिलेशनशिप जो है डायरेक्टर से सीनियर ऑफिसर से आप यहाँ पे डालेंगे। यहाँ से क्या करते हैं, ऑफ कर लेते हैं, सिंपली यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर आपको क्लिक करेंगे। ये दोस्तों जो है बैंक यूज का है, तो सिंपली इसे छोड़ देना है, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपके सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शन बन के आ जाएगा, अपलोड डॉक्यूमेंट। यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ में जो है दोस्तों आप अपना वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट या फिर से जो भी आपका इसमें से डॉक्यूमेंट है यहाँ से अपलोड कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ से दोस्तों अपना पैन कार्ड ले लेता हूँ। इसके साथ साथ दोस्तों आप देख सकते हो कि रेसिडेंट प्रूफ में जो है आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट अपने हिसाब से आप यहाँ पे ले सकते हो। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक कर लेना है। इसके बाद से इनकम प्रूफ में जो है आपका फॉर्म नंबर 16 है तो ये ले लेंगे, या फिर ZPA स्लिप है जो भी आपके बैंक अकाउंट के अंदर पेमेंट आता हो, या फिर से ITR जो है आप जो भी फाइल करते होंगे उसका यहाँ पे स्लिप के ले लेना है। लेने के बाद दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, अपना एक हाफ जो है कलर फोटो जो है पासपोर्ट साइज यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे दोस्तों यहाँ पे प्लस का ऑप्शन है, सिंपली इस पे जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शन बन के आ जाएगा, और यहाँ से आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे सारा चीज को अपलोड करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन है, सिंपली इस पे क्लिक करेंगे। टर्म एंड कंडीशन को जो है दोस्तों यहाँ पे एग्री कर लेंगे, उसके बाद से सबमिट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। और फ्रेंड आप देख सकते हो कि आपका जो है यहाँ पे कंग्रेचुलेशन और आपका नाम दिखा दिया, साथ में यहाँ पे थैंक यू फॉर इंटरेस्ट योर अप्लाइंग HDFC क्रेडिट कार्ड। यहाँ पे टाटा न्यू प्लस क्रेडिट कार्ड जो है वीजा में आपका अप्लाई हो चुका है, और यहाँ पे आपको रेफरेंस नंबर मिल जाएगा। विथ इन देख सकते हो यहाँ पे 7 वर्किंग डेज के अंदर अंदर जो है आपका एप्लीकेशन जो है प्रोसीड हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको ऐसा ही बेस्ट से बेस्ट कॉन्टेंट मिल सके। तो फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।